और अब खबरें विस्तार से। सीताराम डेरा में शराब माफियाओं ने एक बार फिर दबंगई दिखाते हुए एक युवक को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। कांग्रेस नेत्री पूजा सिंह पर हमले का मामला अभी सुलग ही रहा था कि सीताराम डेरा में शराब माफियाओं ने विकास नामक युवक को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। युवक ने शराब भट्टियों के चलते हो रहे अड्डेबाजी व छेड़खानी का विरोध किया था। युवक के सिर पर 7 टाके लगे हैं। पूजा सिंह युवक से मिलने एमजीएम अस्पताल पहुंची थी। मतलब कि डरा रखे हुए हैं। आज सुबह वो बस्ती वाले मेरे घर आए कि मैडम चलिए वाला बंद करिए, मतलब कि कल रात में भी उससे बहुत झगड़ा किए हैं। पी के लड़की सब बेचारी जा रही थी, पी के आदमी सब उसे उल्टा पुल्टा व्यवहार कर रहे बोल रहे हैं। तो मैं बोली कि मुझे अभी तो इंजुरी आई हाथ में, 3-4 दिन आप रुक जाइए, मैं खुद निकलूंगी। बल्कि तो ये सब बेचारा गए तो उसको पता चल गया कि सब आया मेरे पास कंप्लेन करने के लिए। वो मारा पीटी के यहाँ देखे, एक आदमी को पूरा मारे हैं, 7 स्टिच लगा बेचारा, ब्लीडिंग बहुत हुआ है, पूरा मारा पीटी। उनको बेखौफ है, उनको कुछ भी नहीं है, बेखौफ है, वो थाना भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। देखिए तो मारा पीटी किस तरह किया गया है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा ने जिले के सदस्यों के साथ बैठक की और शराबबंदी के लिए आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। शराबबंदी आंदोलन चलाने वाले कांग्रेस नेत्री पूजा सिंह पर हमला के मामले के बाद अब महिला कांग्रेसियों ने शराब माफियाओं के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष आभा सिन्हा ने बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। वो मार खाई उससे हमें कहीं तकलीफ नहीं है, मार खाना जेल जाना ये सब राजनीति में चलता है। हम खुद मार खा के जेल जा करके आ गए, तो राजनीति का एक अंग, इससे क्यों हम गुरेज करेंगे। किस तरह का आप लोग राजनीति तैयार कर रहे हैं वैसे लोगों जी, हम खास करके यहाँ आने का एक मकसद था कि शराबबंदी पर हम लोग को पॉलिटिकल बनाना है और उसको हम तैयारी करते हैं। डिमना लेक के पास एक 407 की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। बोड़ाम थाना अंतर्गत डिमना लेक के पास एक तेज रफ्तार 407 वाहन ने विपरीत दिशा से आ रही बाइक को ठोक कर मार दिया। बाइक पर सवार कपाली के रहने वाले नूर मोहम्मद और इशाक आलम बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें एमजीएम अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। शहर व आसपास बड़ी सड़क दुर्घटनाओं में ये तीसरी घटना है। डिमना लेक पटमदा रोड में 407 से दो ये बाइक में 2 सवार थे, दोनों को चपेट में ले लिया। एक जन स्पॉट डेड हो गया, दूसरा को एमजीएम अस्पताल ले जाने के दौरान बीच रास्ता में वो भी डेड कर गए। के रहने वाले वो कपाली चंडील सरायकेला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मंगला हाट दुकानदारों ने सोमवार को भी भिक्षाटन आरम्भ कर दिया और जमकर नारेबाजी की। अंबानी के दलालों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रभुदास के नाम पर भीख दो, भीख दो, भीख दो। प्रभुदास के नाम पर भीख दो, भीख दो, भीख दो। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे मंगला हाट के दुकानदारों की सूधी लेने अभी तक प्रशासन नहीं आई है। सोमवार को उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सड़कों पर अर्धनग्न होकर भिक्षाटन भी किया। उनको जिला कांग्रेस द्वारा नैतिक समर्थन भी प्राप्त हुआ। जब जिला अध्यक्ष के विजय खां अनशन स्थल पर पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जल्द से जल्द बैठ करके एसडीओ साहब से आग्रह है, डीसी साहब से आग्रह है कि हमारे बुजुर्ग लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, अगर इनकी हालत बिगड़ती है तो सरकार को आना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर आकर के 15 दिन महीना में रहते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ क्या कर रहे हैं, पर दुकानदारों का क्या हाल है। उसका संज्ञान नहीं लेते हैं, वो दही हांडी फोड़ते हैं और राखी पहनते हैं। दही हांडी फोड़ने से राखी पहनने से काम नहीं होगा। जो भूख हड़ताल पर लोग बैठे इनका समाधान करना पड़ेगा। पूंजीपतियों को उनका जो अधिकार दिया जा रहा है और गरीबों को छीन करके उसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस पार्टी किसी हाल में चुप नहीं, बड़ा आंदोलन की साख तैयार कर। कदना बाजार सब्जी विक्रेता संघ ने प्रशासन से बाजार के बाहर सड़क पर दुकान लगाने वालों सब्जी विक्रेताओं को हटाने की मांग प्रशासन से की है। कदना बाजार में अलॉटेड स्थान पर सब्जी दुकान लगाने वालों ने बाहर सड़क पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रशासन से सड़क को खाली कराने की मांग की है ताकि लोगों को सड़क जाम की स्थिति से निजात मिल सके। उनका नेतृत्व हरमोहन महतो कर रहे थे। हम लोग पिछले दिन भी एक आवेदन दिए थे माननीय हमारे उपायुक्त महोदय को,
और उसका प्रतिलिपि भी अनुमंडल पदाधिकारी और जो है अंचल अधिकारी और डिस्को के वरीय पदाधिकारी को भी दिए थे। हम लोगों का मुख्य मांग है कदमा बाजार में जो डेली मार्केट जो डिस्को द्वारा बनाया गया है उसमें जो है जगह उसमें सफिशियंट जगह है, लेकिन कुछ लोग जो है सड़क कर ऊपर बैठ के जो है वहाँ सब्जी बेचता है। हमारा प्रशासन से ही मांग है कि सप्ताह में खास करके रविवार के दिन जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, खास करके जो किसान वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के लिए सप्ताह में एक दिन जो है किसी मैदान उपलब्ध कराया जाए प्रशासन की ओर से। और जो लोग अभी रोड में बैठ के आलू प्याज बेच रहे हैं या अन्य सब्जी जो बेच रहा है उन लोगों को जो है रोड से हटाया। केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 सितम्बर को सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। दुनिया के मजदूर थे, दुनिया के मजदूर थे, कमर काम हड़ताल सफल करो। केंद्र की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सभी ट्रेड यूनियनों ने हाथ मिलाते हुए एक साथ हल्ला बोल की रणनीति अपनाई है। इसके लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर सभाओं का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने 2 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के द्वारा केंद्र सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया गया है। उस दिन सारा भारत वर्ष बंद रहेगा। हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जो सरकार को हमने दिया भी था, लेकिन सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मजबूर होकर बाद केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ हम लोगों ने आम हड़ताल का आह्वान किया है। और महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, ठेका मजदूरों को 18,000 रुपया न्यूनतम मासिक वेतन देने के लिए हम तमाम जो है कि ये मांग कर रहे हैं।